बेशक सभी का किस्मत एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक टैरो कार्ड किस्मत बदलने में सहायक हो सकता है। एक सही मार्गदर्शन हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। जानिए ओशो टैरो कार्ड के द्वारा किस्मत कनेक्शन और ओशो टैरो कार्ड के मार्गदर्शन मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ BCN न्यूज चैनल पर। नमस्कार, BCN न्यूज के भविष्य दर्शन में मैं क्षितिजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है आचार्य श्रद्धानंद मोहन जी। आज हम उनसे जानेंगे कि कौन से राशि के लिए कौन से रंग लाभदायी है, और साथ ही कुछ हमारे जो दर्शक हैं उनकी समस्याओं के जो हमें सवाल आए उनका समाधान भी हमारे आचार्य जी करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर। नमस्कार। देखिए, जैसा सभी को मालूम है कि हमारे 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं और 12 राशियां हैं। ये 12 राशियों के भी अपने 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 9 स्वामी हैं, 9 ग्रह। 9 ग्रहों में से कैसा 2 ग्रह राहु केतु छाया ग्रह हैं, तो उनके कोई राशि नहीं बनते हैं। अपने बाकी के जो 7 ग्रह हैं, 7 ग्रहों के अपने 12 राशियां बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सूरज और चंद्रमा को एक एक राशि दिया गया है। जैसा सूरज को सिंह राशि दिया गया, चंद्रमा को कर्क राशि दिया गया। बाकी अपने अपने जो मंगल बुध शनि शुक्र अपना शनिदेव है, इनको दो दो राशियाँ दिया गया है। तो इन राशियों के लिए भी कैसा रतन जो होते हैं, काम काज होते हैं, वो तो रहते ही हैं, लेकिन बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट रहता है अपने रोज़मर्रा के जीवन पे। वो होता है रंग। किस राशि वालों को कौन से रंग फेवरेबल है, कौन सा रंग लाभदायक है, कौन सा रंग हानिकारक है, ये हमने जानना ज़रूरी है। क्योंकि रोज़मर्रा के जीवन में अपने को ये रंग अगर हम लोग देख के बराबर इस्तेमाल करते हैं तो अपने उसका जो लाभ है ज़्यादा मिलता है। गलत दिनों पे गलत राशि उक्त राशि वाले गलत रंग पहनते हैं तो उनको उसका परिणाम भी गलत मिलता है। तो ये इसको कलर थेरेपी बोला जाता है। घर पर हम रंग लगाते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं और रोज़ तो हम अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं, तो उसके कैसे कैसे अपने पे असर होता है आज हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहली बात हम शुरू करेंगे, पहला राशि मेष राशि। मेष राशि का स्वामी है मंगल, उच्च का ग्रह है सूरज, नीच का ग्रह है शनि, जैसा अपने को मालूम है। लेकिन मंगल के लिए देखिए लाल रंग फेवरेबल है, लेकिन इसके अंदर कैसा लाल रंग जो होता है बहुत भड़कीला लाल नहीं होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए। जो बहुत भड़कीला लाल रंग मेष राशि वाले यूज़ करेंगे तो उनके दिमाग के जो उनके तंतु हैं या फिर उनका जो उत्तेजित ज़्यादा होंगे, गुस्सा ज़्यादा आता है उनको, तो सौम्य लाल या जो माइल्ड रेड कलर होता है वो पहनना है, या वो कलर का गाड़ी ले सकते हैं मेष राशि वाले। उसमें भी कैसा, मंगलवार को और शनिवार को मेष राशि वालों ने ब्लैक कलर और डार्क ब्लू अवॉइड करना चाहिए। उसके ऊपर रेड अच्छा है उनके लिए, माइल्ड रेड, येलो फेवरेबल है, वाइट आके न्यूट्रल है उनके लिए, और लाइट ब्लू पहन सकते हैं लेकिन इन टोटल देखा जाए ब्लू शेड्स को अवॉइड करें तो अच्छा है, ग्रीन शेड्स को अवॉइड करें तो अच्छा है। इसमें लाइट ब्लू और लाइट ग्रीन चलता है, डार्क ब्लू और डार्क ग्रीन को अवॉइड करें तो उनके लिए बेहतर है। बिल्कुल। अगला है अपना वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि आके हमारे शुक्र ग्रह उसके अधिपति हैं और चंद्रमा उसके अंदर उच्च का ग्रह है, तो शुक्र ग्रह वाले के शुक्र जो अपना वृषभ राशि हैं, वृषभ राशि वालों के लिए सबसे लकी कलर उनके लिए वाइट और लाइट ब्लू और लैवेंडर उनके लिए बहुत अच्छा होता है। येलो उन्होंने अवॉइड करना चाहिए, खास कर गुरुवार के दिन येलो नहीं पहनना चाहिए वृषभ राशि वाले, और हो सके तो वृषभ राशि वाले ब्लैक भी जो पहनते हैं वो मंगलवार के दिन नहीं पहने, बाकी के दिन पर पहनेंगे तो अच्छा है ब्लैक उनके लिए। ग्रीन उनके लिए अच्छा है, काफ़ी खास करके येलो थोड़ा सा अवॉइड करें तो अच्छा है। राशिगत हम रंग बता रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए। अगला है अपना मिथुन राशि। मिथुन राशि का देखिए बुध ग्रह है उसका स्वामी। मिथुन राशि वालों के लिए हरा रंग ग्रीन सबसे अच्छा है, थोड़ा सा हल्के से जो गुलाबी रहता है लाइट पिंक जो बोलते हैं वो भी उनके लिए फेवरेबल, लेकिन डार्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लाइट पिंक अच्छा है उनके लिए मिथुन राशि वालों के लिए। सिल्वर जो शेड्स होते हैं वो अच्छे मिथुन राशि वालों के लिए, और रेड अवॉइड करना है इन्होंने मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन, रेड बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए मिथुन राशि वालों ने। येलो ठीक है इनके लिए, ऑरेंज कलर ठीक है इनके लिए, उसमें मिला कुल मिला के कैसा रेड कलर मिथुन राशि वालों के लिए हानिकारक है, इसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है मिथुन राशि वाले। पहला सवाल जो है हमारा
पायल श्रावण राहंगडाले इनका है, ये साखरी तुमसर भंडारा से है। हाँ जी। इनकी जन्म तारीख दी है 14/11/2001, रात का 1:30 का इनका जन्म है। इनका सवाल ये है कि मैं कंप्यूटर की स्टडी कर रही हूँ, उसमें अनेक फील्ड है और मैं कंफ्यूज हूँ करियर को लेकर, और नौकरी को लेकर भी इनका योग कब तक रहेगा, ये भी इनका सवाल। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, अभी ये निर्भर करता है कि इनका जो स्टडी कर रही हैं कंप्यूटर का, वो कब इनका कंप्लीट होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा, कैसे ये जो स्टडी कर रहे हैं कंप्यूटर संबंधित, उनके लिए अच्छा है, सही लाइन में पढ़ाई कर रही हैं, और उसके अनुसार थोड़ा सा लीगल चीज़ों में अगर ट्राई करते तो इनके लिए उसमें पकड़ ज़्यादा है। कंप्यूटर के अंदर एनिमेशन हो गया, लीगल चीज़ें हो गया, और टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे तो अच्छा है। और उसमें भी कैसा, अभी जो नौकरी का इन्होंने पूछा है, अगर इनका पढ़ाई चालू समाप्त हो चुका है तो अगले साल 2023 में जून के बाद इनको नौकरी मिलने का योग बनता है, और इनको नौकरी वगैरह अच्छी जगह पे मिलेगा। लेकिन थोड़ा इनका पत्रिका में कैसा, शुरुआत स्लो रहेगा, स्लो एंड स्टेडी मींस देयर इज बोलते हैं ना, वैसे शुरुआत स्लो रहेगा, धीरे धीरे रहेगा, लेकिन इनको अच्छा नौकरी वगैरह व्यवस्थित वगैरह इनका सेटलमेंट हो जाएगा। दूसरा सवाल हमारा है वेदांशी रवि देशमुख, इनका है ये काम थी बालाघाट से है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/5/2022 रात का इनका 9:38 का जन्म है। इनका सवाल है कि भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, भविष्य बच्चे का बहुत अच्छा है, विद्याभ्यास अच्छा करे, यानी पढ़ाई लिखाई अच्छा होगा, माता से बहुत अटैच रहेगा, और प्रॉपर्टीज लैंड्स वगैरह अच्छे रहेंगे, नेतृत्व करने का गुण है बच्चे में, धैर्यवान रहेगा, निडर बनेगा। ताकि मेरा एक सुझाव इस बच्चे के लिए, इस बच्चे को दया प्रेम सहानुभूति ज़्यादा सिखाएं, ताकि वो अच्छा लीडर बनेगा, अच्छा नेतृत्व करने का कैपेसिटी लड़के में और बच्ची में। और देखो इसमें कैसा है, इनको पढ़ाई के अंदर हायर स्टडीज जब जाएंगे, जैसे समझो 12वीं के बाद के जो पढ़ाई में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा सा सूर्य राहु का दोष बनता है, उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत का उनको थोड़ा सामना करना पड़ेगा। बाकी इन टोटल भविष्य वगैरह इनका बहुत अच्छा है, अपने अपने फ्यूचर को अपने हाथों से निर्माण करेंगे, और आगे चल के इनको आर्किटेक्ट बनना, प्रोफेसर बनना, और नहीं तो कोई भी पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत उच्च पदवी हासिल करने का योग बनता है। हाँ जी, बिल्कुल। अगला सवाल है प्रवीणा अतुल तायवाड़े, इनका इनकी जन्म तारीख है 20/2/1995 नागपुर, इनका जन्म स्थल है और नौकरी में समस्या रहेगी, ये इनका सवाल है। इनकी जन्म तारीख नहीं दी गई है, जन्म तारीख नहीं, जन्म का समय नहीं दिया गया है इनका। अच्छा। नागपुर स्थल है। अच्छा। देखिए, पिछले एक आध 6 महीने से इनको तकरी में समस्या बढ़ गई है, लेकिन अभी कैसा है, थोड़ा सा रिलीफ रहेगा इनको, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो इनका जो नौकरी का समस्या जो बन रहा है, वो इनको थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी ये जो समस्या जाने वाला दिखता नहीं है, अप्रैल या मई 2023 के बाद ही इनको रिलीफ मिलेगा थोड़ा। तो इसके लिए अगर क्या कर सकते हैं, देखो इनके लिए अगर नौकरी संबंधी समस्या में, नौकरी में अगर इनको परेशानी हो रहा है, तो सोमवार के दिन इन्होंने भगवान शंकर के मंदिर में जाके जल चढ़ाए, और सोमवार के दिन गरीबों में अन्नदान करेंगे, तो इनका जो नौकरी का समस्या काफ़ी हद तक का कम होगा। बाकी सटीक तक से मैं इनको पूरा बताने गाइड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इन्होंने ना ही इनका जन्म समय दिया है, ना ही जन्म गांव दिया है। डेट ऑफ बर्थ के अनुसार मैं इतना बता सकता हूं कि इनको जो भी इनका काम का संबंधी समस्या है, वो समस्या इनका 2023 अप्रैल के बाद कम होते दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं हमारे अगले राशि के और, कौन से राशि को कौन सा रंग जो है लाभदायक है। अभी देखो अगला राशि अपना कर्क राशि, कर्क राशि आके चंद्र प्रधान राशि है, चंद्र उनका स्वामी है, गुरु उनके उच्च का है, मंगल नीच का है उसमें। तो कर्क राशि वालों के लिए सफ़ेद रंग बहुत अच्छा है, लाइट ब्लू बहुत अच्छा है, लाइट पिंक बहुत अच्छा है, जैसा हल्का गुलाबी रंग बहुत अच्छा है इनके लिए, पीला रंग भी इनके लिए अच्छा है। लेकिन कर्क राशि वालों ने मंगलवार के दिन, रविवार के दिन काला पहनना अवॉइड करना चाहिए, काला इनके लिए शुभ नहीं होता मंगलवार रविवार के दिन। और कर्क राशि वालों के लिए बुधवार के दिन बहुत गहरे हरे रंग के कपड़े और शनिवार के दिन बहुत गहरे नीले रंग के कपड़े अवॉइड करना चाहिए। बाकी सफ़ेद हो गया, पीला हो गया, गुलाबी हो गया, इनके लिए बहुत अच्छा है। हाँ जी, अगला है अपना सिंह राशि। देखिए सिंह राशि का स्वामी है सूरज, सूरज जैसा प्रखरता का द्योतक है और सूरज ज्योतिमय है, तो
सूरज के लिए सबसे अच्छा कलर है ऑरेंज, पीला, लाल, जिसमें वो भड़कीला ना हो, और काला रंग इन्होंने अवॉइड करना चाहिए, खास करके रविवार के दिन और मंगलवार के दिन काला रंग नहीं पहनना है। रविवार के दिन गहरा नीला, पर्पल, डार्क पर्पल नहीं पहनना है। इनके लिए सिंह राशियों के लिए अच्छे रंग हैं जो मैंने बताया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, और सफ़ेद भी इनके लिए अच्छा है। काला रंग इन्होंने अवॉइड करना, जैसे मैंने बताया, इस चीज़ को अवॉइड कर जाएंगे तो इनके लिए अच्छा है। देखिए अगला राशि अपना कन्या राशि। कन्या राशि, जैसे सबको मालूम, कन्या राशि का ग्रह है बुध स्वामी, नीच का ग्रह है शुक्र है। बुध अपने घर में उच्च के हैं, तो बुध के लिए, इस कन्या राशि के लिए सबसे अच्छा कलर है हरा रंग। गहरा भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है, और इनके लिए अच्छा रंग दूसरा है सिल्वर हो गया, ग्रे हो गया, जो सेलेटी रंग बोलते हैं, ग्रे कलर अच्छा है इनके लिए। व्हाइट इनके लिए अच्छा है, ब्लैक न्यूट्रल है इनके लिए। रेड इन्होंने किसी प्रकार का भी रेड अवॉइड करना चाहिए। पिंक ठीक है, ब्लू में लाइट ब्लू अच्छा है, डार्क ब्लू अवॉइड करें, लाइट ब्लू इनके लिए बहुत अच्छा है, लैवेंडर अच्छा है। बाकी कन्या राशि वाले बुधवार के दिन और शनिवार के दिन रेड पहनना बिल्कुल अवॉइड करें, मंगलवार के दिन तो रेड नहीं पहने तो बहुत अच्छा है इनके लिए। चिल्लाती देवरी से अगला प्रश्न है ईशु राधेलाल कुसरा इनका। इनकी जन्म तारीख है 6/5/1996। जन्म का समय इन्होंने नहीं दिया है। इनका सवाल है अभी अभी विवाह इनका हुआ है, तो भविष्य पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन कैसा होगा भविष्य में? अच्छा, तो देखो राशिगत मैं इतना ही बताऊंगा, इनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, ऐसा कोई बड़ा समस्या नहीं है, अच्छा तालमेल अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच में छोटा मोटा नोक जोक होते रहता है, उसका कोई बड़ा समस्या नहीं है, लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा इन्होंने सतर्कता बरतना चाहिए। अपने वैवाहिक जीवन में जो भी पत्नी का समस्या है उस पर ध्यान देना चाहिए, और कामकाज में भी इनका जो श्रम करते हैं, परिश्रम जितना करते हैं उतना इनको लाभ नहीं हो पाता, आउटपुट नहीं मिल पाता। और देखो इनको अगर कामकाज में सफलता चाहिए, इन्होंने क्या करना चाहिए, हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। अगर कभी इनको मौका मिले, कभी इनको ऐसा मौका मिले कि भगवान भैरव का कोई मंदिर मिल जाए, तो भगवान भैरव के मंदिर में जाके थोड़े से जो नमकीन फरसान होते हैं वो, और थोड़े से मीठे बूंदी और थोड़े बताशे, भगवान के मंदिर में इन्होंने भेंट चढ़ाना चाहिए। किस दिन? शनिवार के दिन या रविवार के दिन। अगर इस चीज़ को इन्होंने 5 शनिवार भी कर लिया तो इनको अच्छा रहेगा। अगर शनिवार नहीं हो पाता रविवार भी को भी कर सकते हैं, तो इन्होंने इतना कर लिया तो इनको काफ़ी आराम रहेगा, अच्छा रहेगा। रही बात वैवाहिक जीवन के लिए, सुखमय होने के लिए इन्होंने क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो निवास स्थान है वहाँ पे क्लीन, नीट एंड क्लीन बना के रखें, और हल्के रंगों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इनके जो वैवाहिक जीवन में जो भी समस्या है या फिर अच्छा होना, इम्प्रूवमेंट है, वो अच्छा रहेगा इनके लिए। अगला सवाल नागपुर से ही है, नैतिक किरणोत पटले इनका। इनकी जन्म तारीख है 12/8/2016। जन्म का समय है 8:55। 12/8/2016 जन्म समय है 8:55 सुबह। पढ़ाई करते हैं लेकिन जो पढ़ते हैं वो उन्हें याद नहीं रहता, छोटी छोटी बातों को लेकर वो डर जाते हैं। 8:00 सवेरे का, सवेरे का, सवेरे का। हाँ जी, जन्म का, जन्म गांव नागपुर। सवाल है पढ़ाई करते हैं लेकिन उन्हें याद नहीं रहता है और छोटी छोटी बातों को लेकर वो डर जाते हैं। अच्छा, देखिए ये जो बच्चा ना, ये बच्चा एक्चुअली ओवर एक्टिव है, समझे। ये बच्चा कैसा, इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन सीखना सब कुछ चाहता है, एक से एक दिन में सब कुछ जानना चाहता है। अभी समझो कुछ आजकल तो ऑनलाइन स्टडीज है, बच्चा ओपन करता है नेट तो कुछ दूसरा पढ़ने के बदले कुछ और देखना शुरू करता है, कुछ और जानकारी लेना शुरू, जानकारी लेगा ये लेकिन 10 प्रकार की जानकारी लेता है। और कैसा है, इस बच्चे ने थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े कम है, यानी कैसे कन्वे करना अपने मैसेज, अपने डाउट्स कैसे क्लियर करना, टीचर को क्या पूछना है, किस प्रकार का कम्युनिकेशन स्किल्स कम है। बच्चा कम बात करना या फिर अनावश्यक बात करना जो ज़रूरत नहीं वो करता है, तो इसका थोड़ा सा ये मैनेजमेंट कर लो आप जो भी माता पिता हैं, अच्छा रहेगा। बाकी बच्चा पढ़ाई वगैरह आगे चल के अच्छा करेगा, उसमें कोई शंका नहीं है, अच्छा नौकरी वगैरह करेगा, लेकिन इस एक जगह पे आगे चल के पढ़ाई भी करना है, नौकरी भी करना है, इसका ध्यान रखें, नहीं तो इसका ध्यान भटकेगा बच्चे का। और रही बात बच्चे के पढ़ाई अच्छा होने के लिए क्या करना है, बच्चे के नाम से हर शनिवार को आपने
एक पाव गुड़, एक पाव उड़द दाल हर शनिवार को, कम से कम 5 शनिवार को बच्चे के नाम से, अगर बच्चे को ले जाके आप शनि मंदिर में दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं हो सकता है तो माता पिता ने खुद जाके बच्चे के नाम से शनि मंदिर में इस चीज़ को उड़द उड़द दाल और अपना काला गुड़ इतना अगर दान करते तो बहुत अच्छा, एक एक पाव। अगला सवाल किरणोद सुखचंद पटले इनका है, मानेगांव बालाघाट से है ये, 26/11/1989 इनकी जन्म तारीख है। अच्छा, इन्होंने जन्म का समय नहीं दिया है। अच्छा, काम को लेके परेशान रहते हैं जिस वजह से मन विचलित रहता है। अच्छा, तो आगे की स्थिति कैसी बनी रहेगी? देखिए काम में इनको परेशानी तो है, जैसा बता रहे हैं परेशानी है इनको, जिस प्रकार से काम करते उस प्रकार से उनका फल नहीं मिलता और काम का जो करना चाहते उस प्रकार से आजकल मन भी नहीं लग रहा है इनको, बहुत विचलित रहता है मन, चिंतित रहता है, कभी काम को लेके चिंतित रहता है, कभी घर को लेके चिंतित रहता है, आवक को लेके चिंतित रहता है, तो कुल मिला के कैसा थोड़ा इनको अभी फिलहाल परेशानी वाला समय है। अप्रैल या जून के बाद इनको अच्छा होगा, तब तक इन्होंने क्या करना चाहिए, हर गुरुवार को कोई भी गुरु के मंदिर, गजान बाबा या कोई भी गुरु के मंदिर जाके पीले रंग के फूल और केले थोड़े से अर्पित करेंगे, एक आध डजन आधा डजन वगैरह, इनको अच्छा रहेगा। हर गुरुवार को कुछ भी नहीं हो सकता है, जाके सिर्फ नमस्कार भी कर ले कोई भी गुरु के मंदिर में, इनको वो अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। राशियों की ओर बढ़ते हैं, कौन से जो राशि है उनके लिए देखिए, कौन से अगला है अपना तुला राशि। तुला राशि आके शुक्र प्रधान राशि है, उसमें उच्च के ग्रह शनिदेव है, नीच के ग्रह सूरज है, तो तुला राशि वालों के लिए जैसा शुक्र का कलर है सफेद, सबसे अच्छा उनके लिए तुला राशि वालों के लिए सफेद अच्छा है, हरा अच्छा है, और तुला राशि वाले काला भी फेवरेबल है, काला रंग भी अच्छा है, लेकिन तुला राशि वाले काला है कैसा, मंगलवार को और रविवार को काला इन्होंने अवॉइड करना चाहिए, बाकी के दिन पे पहन सकते कोई दिक्कत नहीं है, सफ़ेद इनके लिए बहुत अच्छा है। पीला गुरुवार के दिन पीला अगर अवॉइड करते हैं, गहरा पीला तो लाइट हल्का पीला पहन सकते, गहरा पीला नहीं पहनना चाहिए इन्होंने, और शुक्रवार के दिन पीला नहीं पहनना चाहिए तुला राशि वाले, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर गाड़ी वाड़ी लेते हैं तो इनके लिए सफ़ेद हो गया, ग्रे हो गया, ब्लैक हो गया, लाइट ब्लू हो गया, रेड थोड़ा सा गाड़ी, देखो गाड़ी में कैसा इन्होंने रेड अवॉइड करना चाहिए तुला राशि वालों ने, नहीं तो बार बार इनको कुछ खर्चा होना गाड़ी में, मार लगना, चोट लगना, ये सारे चीज़ें योग बनता है, तो बाकी के चीज़ों में रेड पहन सकते हैं लेकिन गाड़ी के मामले में थोड़ा सा रेड उन्होंने अवॉइड करना चाहिए तुला राशि वाले। अगला है अपना वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि है कि मंगल का राशि है, इसमें उच्च का तो कोई ग्रह नहीं होता लेकिन नीच का चंद्रमा जरूर होता है ग्रह इनके लिए, तो वृश्चिक राशि के लिए सबसे अच्छा कलर है पिंक कलर, और अपना इनके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा ब्राउन, पिंक और रेड, थोड़ा सा हल्का रेड, डार्क बहुत डार्क रेड नहीं, हल्का रेड अच्छा रहेगा इनके लिए, ऑरेंज अच्छा रहेगा, वाइट इन्होंने अवॉइड करना चाहिए तुला वृश्चिक राशि वालों ने, येलो इनके लिए अच्छा है, गोल्डन येलो बहुत अच्छा है इनके लिए, और ग्रीन पहन सकते हैं लेकिन कैसा है मंगलवार के दिन इन्होंने ग्रीन अवॉइड करना चाहिए, या फिर गाड़ी वाड़ी कुछ लेते हैं तो ग्रीन कलर अवॉइड करें तो अच्छा है, डार्क ब्लू कलर अगर अवॉइड करते हैं तो अच्छा है गाड़ी के लिए, ब्लैक अगर अवॉइड करते हैं गाड़ी के लिए तो अच्छा है, अगर समझो शनि इनके पत्रिका में बहुत फेवरेबल है तो ही ब्लैक कलर का गाड़ी, नहीं तो नहीं ले। बाकी वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए मैंने जो बताया वो कलर्स अगर पालन करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगला है अपना धनुराशि। देखिए धनुराशि वालों का स्वामी है गुरु ग्रह, इनके लिए येलो बहुत अच्छा है, गोल्डन येलो अच्छा है, सिल्वर अच्छा है इनके लिए, वाइट अवॉइड करें इन्होंने, अगर वाइट अगर गाड़ी वाड़ी लेते हैं तो थोड़ा अवॉइड करें, वाइट कलर थोड़ा सा घर को लगा सकते हैं, घर में अगर वास्तु संबंधी वाइट कलर करते हैं तो अच्छा है, गाड़ी वाड़ी अवॉइड करें, और इन्होंने अगर गुरुवार के दिन वाइट पहने तो इनके लिए श्रेयस्कर नहीं रहेगा, येलो इनके लिए अच्छा है, रेड अच्छा है इनके लिए, ब्लैक ठीक ठाक है, ग्रीन अगर कोई समझो शुभ कार्य है और कोई काम का संबंधित कोई काम है तो ग्रीन इन्होंने जरूर पहन सकते हैं, अच्छा है इनके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल अगला है हमारा वर्ध से है, जितेंद्र ऋषि दाते इनका, इनकी जन्म तारीख है 30/9/1986, इनकी जन्म का समय इनका नहीं दिया गया है, इनका सवाल है जिंदगी में आगे सब अच्छा रहेगा या नहीं, मन में हमेशा सवाल इनके रहता है। देखिए इनके जीवन में कैसा, इनका एनर्जी और विल पावर बहुत अच्छा है, बहुत तेजस्वी है दिमाग से, लेकिन कभी कभार उत्तेजित हो या गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्दा एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है इनका, तो इससे थोड़ा काबू रखना है इन्होंने, और इनके जो राशिगत हम भविष्य बता सकते हैं,
आगे चल के देखो, ये आने वाले 3 साल बहुत कठिन जाने वाले हैं आपके लिए। ये 3 साल आपने क्या करना चाहिए, शनिदेव के मंदिर जाना चाहिए, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, और जो गरीब होते हैं उनकी सेवा करो, वृद्ध लोग अगर घर पे हैं तो उनकी सेवा करो, माता पिता के चरण छू के घर से बाहर निकला करो, तो आपको बहुत अच्छा होगा। लेकिन कुल मिला के आने वाला 3 साल थोड़ा सा आपको काम काज को लेके, पैसे को लेके टफ है। बाकी जीवन में क्योंकि आपने पूरा तो मेरे को बताया नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सिर्फ दिया है, टाइम वगैरह दिया नहीं है, राशि स्थान वगैरह दिया नहीं, जन्म स्थान वगैरह दिया नहीं है, तो मैं पूरा आपके जीवन का ब्यौरा 1-2 मिनट में तो बता नहीं सकता। लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा कि आने वाले 2 साल आपके गाड़ी वाहन चलाने के लिए, पैसे के काम काज के लिए उतने अच्छे नहीं है, लेकिन बाकी के नए काम चालू करने के लिए वगैरह या फिर नया शुभ काम करने के लिए वगैरह 2 साल अच्छे हैं, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, राशि भविष्य अच्छा है आपका। बिल्कुल। अगला सवाल है आर्या किरणोद पटले, इनका नागपुर से है, 15/7/2020 इनकी जन्म तारीख है, जन्म का समय है शाम 6 बजे का। इनका सवाल है कि भविष्य कैसा रहेगा। 2020 है ना? हाँ, 2020, 15/7/2020 शाम का समय है, जन्म का 6 बजे, नागपुर जन्म स्थल है। अभी देखो बच्चा तो 2 साल का है, देखो बच्चों के बारे में इतना ही बताऊंगा, पहली बात तो इस बच्चे को भविष्य में थोड़ा सा तबियत संबंधित, पेट संबंधित इश्यूज रहेगा, बच्चे को थोड़ा ध्यान दे बच्चे के खाने पीने पे, क्योंकि अभी छोटा बच्चा है तो बच्चे के डाइट पे बहुत ध्यान देना आपने, नहीं तो तबियत पेट बिगड़ने का, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स दिख रहा है मेरे को। और ये बच्चा थोड़ा सा ज़िद्दी बन सकता है, तो इसको थोड़ा सा आराम से एजुकेट करके, थोड़ा सा काउंसिलिंग करके लिए तो अच्छा है, बच्चा जैसा बड़ा होएगा। अभी फ़िलहाल के लिए बच्चे को तबियत संबंधी थोड़ा इश्यूज रहेंगे अगले जून तक का, 2023 जून तक का, उसके बाद सब अच्छा होगा। फिलहाल के लिए कैसा बच्चे को, देखो बच्चे का है कृतिका नक्षत्र, इसका ज़्यादा अपने को ज़्यादा बताना इतना अच्छा नहीं रहेगा, बच्चे का मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, अभी छोटा बच्चा है। भविष्य वगैरह बच्चे का अच्छा है, ब्राइट है, काम काज वगैरह अच्छा कर लेगा, पार्टनरशिप वगैरह अच्छा रहेगा, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बहुत अच्छे हैं बच्चे के इसमें, तो उसी क्षेत्र में बच्चा आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा इसको आप माता पिता जो भी हैं पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ा सा मोटिवेट करके करेंगे तो बहुत अच्छा पड़ेगा, नहीं तो बच्चा बहुत मूडी है, वो आधा पढ़ेगा आधा छोड़ेगा, इसको मोटिवेट करते रहना पड़ेगा हमेशा आपको, अन्यथा बहुत अच्छा। हाँ जी, तो बची हुई राशियाँ जो है उनके बारे में हम जानेंगे, कौन से रंग कौन से राशि को लाभदायक है। देखिए अगला है अपना मकर राशि, मकर राशि का स्वामी है शनि और इसके उच्च ग्रह मंगल, तो मकर राशि वालों के सबसे अच्छा कलर बनता है अपना डार्क ग्रे और लैवेंडर और लाइट ब्लू, सबसे अच्छे कलर्स हैं इनके लिए, ग्रीन भी इनके लिए बहुत अच्छा है लाभदायक। इसमें इन्होंने अवॉइड क्या कर सकते हैं, जैसा शनिवार के दिन इन्होंने ऑरेंज पहनना और डार्क येलो पहनना अवॉइड करना चाहिए, और रविवार के दिन इन्होंने ब्लैक पहनना अवॉइड करना चाहिए मकर राशि वालों ने, इनके लिए वाइट अच्छा है, ग्रीन अच्छा है, पिंक भी अच्छा है, लाइट रेड इनके लिए अच्छा है। अगर गाड़ी वाड़ी लेते हैं कुछ लेते हैं तो इन्होंने ब्लैक कलर का गाड़ी अवॉइड करना चाहिए, इनके लिए अच्छा रहेगा वो, सिल्वर इनके लिए अच्छा कलर है, गोल्डन कार या गोल्डन रंग के कोई गाड़ी वाड़ी इन्होंने बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, इनके लिए वो लाभदायी नहीं हो सकता। अगला है अपना कुंभ राशि, देखो कुंभ राशि वालों के लिए जैसा शनि प्रधान अपना कुंभ राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए ब्लैक अच्छा है, सिल्वर अच्छा है और ग्रीन अच्छा है। कुंभ राशि वालों ने अपना डार्क ग्रीन वगैरह अवॉइड करना चाहिए, लाइट ग्रीन से इनके लिए अच्छा है, पिंक अच्छा है इनके लिए, वाइट कलर जो होता है उसको सोमवार के दिन वाइट कलर पहनना कुंभ राशि वालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता, उससे उनको जीवन में टेंशन बढ़ेंगे या फिर नेगेटिविटी आएगा, तो वाइट अवॉइड करना इन्होंने सोमवार के दिन, बाकी शुक्रवार के दिन और बाकी दिनों में इन्होंने वाइट पहन सकते हैं, अच्छा है इनके लिए। कुंभ राशि वालों के लिए कुल मिला के ये जो मैंने दिन बताया वो दिन पे थोड़े से वो रंग को अवॉइड करके बाकी दिनों में पहन लें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास करके कैसा, अगर कुंभ राशि वाले देखो घर भर बनाते हैं, घर भर पेंट करते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा वाइट घर के अंदर अगर इंटीरियर में कलर्स कुछ लगाते हैं, लाइट ब्लू, लाइट लैवेंडर, वाइट शेड्स में, पेस्टल शेड्स में अगर कुंभ राशि वाले कलर लगाते घर के अंदर तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा वास्तु के लिए। देखो अंत में अगला है अपना, लास्ट है अपना मीन राशि।
मीन राशि के स्वामी हैं गुरु ग्रह हैं, उच्च ग्रह हैं शुक्र, नीच के ग्रह बुध हैं। तो मीन राशि वालों के लिए कैसा, वाइट थोड़ा सा अवॉइड करें, येलो इनके लिए अच्छा है, उसमें भी क्रीमिश वाइट रहा, हाफ वाइट रहा तो उनके लिए फेवरेबल है, प्योर वाइट ब्राइट वाइट राइट वाइट रहा तो गुरुवार के दिन बिल्कुल अवॉइड करें। गाड़ी वगैरह वाइट कलर का ना ले मीन राशि वाले, अगर गाड़ी वगैरह लेते हैं तो मीन राशि वाले लाइट ग्रीन कलर का ले सकते हैं, गोल्डन येलो का ले सकते हैं, शैम्पेन गोल्ड ले सकते हैं, ब्लैक अवॉइड करें गाड़ी में। अगर कपड़ों की बात करें तो मीन राशि वाले येलो गुरुवार के दिन पहने तो बहुत अच्छा है, शुक्रवार के दिन अगर ग्रीन पहनते हैं तो अच्छा है, वाइट बिल्कुल अवॉइड करें शुक्रवार के दिन पहनना, और गुरुवार के दिन वाइट नहीं पहनना चाहिए मीन राशि वालों ने। बाकी पिंक पहनना अच्छा है, लाइट ग्रीन अच्छा है, येलो अच्छा है इनके लिए, रेड अच्छा है और लाइट येलो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। हाँ जी, कामठी बालाघाट से ये सवाल है, हाँ सानवी रवि देशमुख इनका। हाँ जी, इनकी जन्म तारीख है 26/1/2020, 26/1/2020 इनकी जन्म तारीख है और इनका जन्म का समय है रात बजकर 10:30 का, रात का 10:30 रात का ना। हाँ जी, भविष्य कैसा रहेगा ये सवाल है उनका। सानवी रवि देशमुख नाम, जन्म गांव नागपुर, कामठी बालाघाट। देखिए इस अभी तो 2 साल का बच्चा ही है, अभी देखो इस बच्चे का भविष्य फ्यूचर अच्छा है, अच्छा उसको कामकाज वगैरह अच्छा मिलेगा, बच्चे को प्लेसमेंट वगैरह अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छा करेंगे ये, बीच में पढ़ाई वगैरह थोड़े से छोड़ने का योग बनते हैं, उसको ध्यान दे कि पढ़ाई वगैरह छूटे नहीं बीच में, बाकी एज ए पर्सन अच्छा आगे बढ़ेंगे ये, नेतृत्व का बहुत अच्छा इनके कैपेसिटी इनमें, मैनेजमेंट संबंधित इनको जॉब्स वगैरह मिलना, टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, आईटी क्षेत्र में हो गया, इनको बहुत अच्छा पकड़ है उसमें, अगर आगे चल के बढ़कर इनको अगर शेयर मार्केट संबंधी कुछ ज्ञान आता है तो उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा करने का योग बनता है। कुल मिला के बच्चे के तबियत के ऊपर वगैरह ऐसा कुछ प्रतिकूल बहुत असर नहीं है, तबियत वगैरह अच्छा रहेगा, बशर्ते थोड़ा सा पेट में हीट जनरेट प्रॉब्लम्स बहुत रहेगा, एसिडिटी संबंधित पित्त विकार ज़्यादा रहेगा बच्चे को, उस पर थोड़ा ध्यान देना है, बाकी चीज़ों में ही इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है, पढ़ाई वगैरह अच्छा करेंगे, अच्छा नौकरी वगैरह मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा इनको पत्रिका में कैसा राहु केतु का प्लेसमेंट सही नहीं होने की वजह से माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा इफेक्ट होगा, और माता को थोड़ा सा जिद्दी होकर माँ को तंग करने का योग बनता है बच्चे का, बाकी इन टोटल ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर का बात ऐसा है कि थोड़ा सा बच्चे को अभी कुंभ राशि होने के नाते 7.5 अभी चालू होकर भाई 2 साल हुए बीच में अभी चल रहे शनिदेव, तो 7.5 संबंधित थोड़ा सा दान धर्म वगैरह कर लेंगे, शनिमान चालीसा वगैरह पाठ कर लेंगे बच्चे के नाम से तो अच्छा, अभी छोटा बच्चा है तो उतना 7.5 इफेक्ट भी नहीं होता बच्चों को। लेकिन एक ज्योतिष संबंधित बात आपको जानकारी देना है बस इतना ही, तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको कुछ बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है कुछ ऐसा ठीक नहीं है तो बच्चे के नाम से हनुमान जी के मंदिर में पूजा दे दो तो अच्छा हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा नागपुर से वीर सुनील भंडारकर का। हाँ जी, इनका जन्म का समय है 5:00 का, जन्म की तारीख है 19/2/1994, और इनका सवाल है, मेरे ऑप्टिकल्स की दुकान है, अभी बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। जन्म का समय है 5:00 सुबह 5:00 नागपुर स्थल इनका जन्म स्थल है। हाँ, और ऑप्टिकल्स की इनकी दुकान है लेकिन बिजनेस जो है इनका ठीक से नहीं चल रहा है तो कब तक ये चलेगा, ये सवाल है इनका। देखिए कैसे इनके पत्रिका में थोड़ा सा अभी फिलहाल टाइम वगैरह उतना खास नहीं है जिसकी वजह से इनको काम काज में बंदी वगैरह देखना पड़ रहा है। बाकी कैसा इन्होंने देखो अगर गुरुवार का व्रत करते हैं, अगर गुरुवार को कोई भी हर गुरुवार को पीला रंग पहनना और हर गुरुवार को कोई भी गुरु के मंदिर में जाके दर्शन करना वगैरह करते हैं तो इनके लिए अच्छा रहेगा, और अगर गुरुवार के दिन गाय को केला वगैरह खिला सकते हैं और गरीब बच्चों में थोड़ा मीठा वगैरह बांट सकते हैं तो इनके बिजनेस के अंदर इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगा। रही बात इनके राशि के जो दशा भक्ति के अनुसार कैसा, इनको अभी टाइम इतना फेवरेबल नहीं है तो इन्होंने क्या करना चाहिए, माँ दुर्गा के उपासना करना चाहिए, माता दुर्गा का 40 वगैरह पाठ करेंगे रोज करेंगे तो बहुत अच्छा है। उसमें भी कैसा करना है इन्होंने, रविवार के दिन देखो राहु काल आता है 4:30 से 6:00, अगर रविवार के दिन राहु काल के अंदर इन्होंने बैठ के एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना,
एक बार दुर्गा चालीसा पढ़ना कर लिया तो इनके लिए बहुत अच्छा फल मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए जैसा जिस प्रकार से इनका पत्रिका में समय है उसके अनुसार कैसा, थोड़ा सा इनको 2023 तक का दिक्कत है। 2023 के बाद इन्होंने जो जो सोच के रखा है अपने, इन्होंने अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग वगैरह करके रखा है, वो बहुत अच्छा इनको उसका लाभ मिलेगा और कुछ नया कुछ काम का चालू करने का योग बनता है इनको, बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। तो 2023 तक का थोड़ा सा समय उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा बराबर फाइनेंशियल प्लानिंग करके निकालेंगे तो समय निकालेंगे तो अच्छा है। फाइनेंसेस के लिए वगैरह कैसा, इन्होंने अपने दुकान में इन्होंने क्या करना चाहिए, लाल रंग का कपड़ा अपने कैश बॉक्स में बिछा है और एक 11 पीले रंग के कौड़िया लाल रंग के कपड़े में बांध के अगर रखेंगे तो इनके बिजनेस में अवश्य इनको लाभ देखने को मिलेगा। और अच्छा, और देखो विस्तार से अगर जानना कुछ करना है कोई भी अच्छे ज्योतिषी को अगर आप कंसल्ट करते तो और आपको गाइड कर पाएंगे, सीमित समय में मैं इतना बता पाऊंगा आपको, इतना करो इससे आपको अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल, आज के जो हमारे इस कार्यक्रम में हमने सवालों के जवाब भी हमारे दर्शकों के दिए हैं, साथ ही कौन से राशि के लिए कौन से रंग लाभदायी है इसके बारे में भी हमें जो है आचार्य जी ने बताया है, बहुत अच्छी जानकारी दी है। हमारा एक ही निवेदन है हमारे दर्शकों से, अगर आप आपके सवाल अगर हमें भेजते तो उसके साथ आपकी जन्म तारीख, जन्म स्थल और जन्म का समय ज़रूर भेजें ताकि आपकी समस्या का निवारण आचार्य जी जो है अच्छी तरह से कर सके। फिलहाल वक्त हो गया है यही रुकने का, नमस्कार। बेशक सभी का किस्मत एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक टैरो कार्ड किस्मत बदलने में सहायक हो सकता है। एक सही मार्गदर्शन हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। जानिए ओशो टैरो कार्ड के द्वारा किस्मत कनेक्शन और ओशो टैरो कार्ड के मार्गदर्शन मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ BCN न्यूज चैनल पर।